नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में, आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मकर संक्रांति के मौके पर यूपी कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज अयोध्या दौरे पर जाएगा। इस दौरान कांग्रेस डेलीगेशन रामलला के दर्शन करेगा। सभी नेता लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन से पहले सरयू में डुबकी भी लगाएंगे। प्रतिनिधि मंडल में आपको बता दें, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया के साथ ही 2000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस यात्रा से पहले सबके राम चलो अयोध्या धाम का नारा भी दिया है। करेंगे सरयू जी में डुबकी लगाएंगे। मकर संक्रांति है आज और 9:13 पर सूर्य भगवान उत्तरायण हुए, तो 9:13 के बाद हमें जाने का कार्यक्रम था। भगवान सरयू जी में डुबकी, फिर उसके बाद महादेव बनारस से बेलपत्र आया है, वो बेलपत्र हम लोग चढ़ाएंगे बाबा भोलेनाथ, वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पर हनुमानगढ़ी, फिर रामलला का दर्शन करके उसके बाद गोरखपुर प्रस्थान करेंगे। जहाँ एक तरफ शीर्ष नेतृत्व जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए मना कर रहे हैं, बल्कि आप लोग अभी जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें पहले ही हमारे चारों शंकराचार्य ने जाने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बना रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा, भगवान तो ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं, भगवान तो वहाँ प्रतिष्ठित ही है। रामलला वहाँ पूजा किसकी होती है? रामलला की पूजा होती है। वो मोदी जी अपना इवेंट कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा वहाँ भगवान की, हमें वहाँ बैठे हुए हैं। इसके पहले भी सभी लोग दर्शन वहाँ लगातार कर रहे हैं, हम सब लोग जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। 22 का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से वो मोदी अपनी तरीके से कर रहे हैं। जब उसमें चारों शंकराचार्य जाने से मना कर दिए, तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग आज 15 तारीख को जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करेंगे और जय जय सिया राम होगा। जहाँ एक तरफ, और चलिए अयोध्या का सीधा रुख करें। मेरे सहयोगी अशोक तिवारी सीधा अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक तिवारी, क्या समझ में आ रहा है? पहले तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को कांग्रेस का ठुकराना, अब उसके बाद सबके राम चलो अयोध्या धाम का नारा देकर आज अयोध्या ही पहुंचना, रामलला के दर्शन करना, ये क्या जो परिस्थितियां कांग्रेस के विपरीत जा रही थी निमंत्रण ठुकराने के बाद, उसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस? देखिए, दरअसल अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस का जो यूपी का डेलीगेशन है उसकी तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है उसको ये मैसेज दिया गया था कि वहाँ पर कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाना चाहिए, कुछ कांग्रेसी नेताओं को वहाँ पर जाना चाहिए, ताकि जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को बीजेपी पूरी तरह से, जो आरोप कांग्रेस लगाती है कि पूरी तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, तो कम से कम जब कांग्रेस के नेता वहां पर जाकर दर्शन करेंगे तो कम से कम जो सनातन को लेकर बात कही जा रही है। अशोक, वापस आ रही हूँ।